हेलो गाइस। सो गाइस कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे हो गए। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा था, यहाँ पे मैं आपको पूरा इनक्यूबेटर का रिव्यू कर दूंगा। इसमें मैं आपको बंडल भी निकाल के दिखा दूंगा। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई हम लोग को 20K की फैमिली जल्दी से कंप्लीट करनी है। सो गाइस चलो हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को कौन सा इनक्यूबेटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं ज्यादा लंबी वीडियो बना के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, केवल आपको इनक्यूबेटर दिखा दूंगा और उसमें बंडल निकाल के दिखा दूंगा। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, हम लोग को नेक्स्ट इनक्यूबेटर में ये वाले बंडल देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एक एंजेलिक का इंक्यूबेटर आया था, वैसा मेरे को इंक्यूबेटर यहाँ पे ये थोड़ा सा लग रहा है। सो गाइस आप लोग पूरा बंडल देख सकते हो। पहले हम लोग को गोल्डन वाला देखने को मिलेगा, इसे मतलब आपको करके इसका फीमेल भी मिलेगा। मतलब आपको पता है बीच में क्या हुआ था, हम लोग को एक ही बंडल लिया जाता था, उसमें हम लोग मेल फीमेल दोनों को पहना सकते थे, लेकिन भाई अब से फिर से यहाँ पे हम लोग को गोल्ड तरह इंक्यूबेटर देखने को मिलने लगा है, जहाँ पे आपको अलग सा मेल बंडल और फीमेल बंडल देखने को मिलता है। सो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इंक्यूबेटर के बंडल अच्छे खासे रखे गए, क्योंकि भाई यहाँ पे फीमेल के बंडल मेरे को बहुत ज्यादा ओपी लगे। मेल का बंडल तो यहाँ पे थोड़ा सा घटिया टाइप का डिजाइन कर दिया गया है, लेकिन गाइस फीमेल का बंडल बहुत ज्यादा ओपी बनाया गया है। आपको बता दूं, यहाँ पे हम लोग को मतलब हर इंक्यूबेटर में 3 बंडल देखने को मिलते थे, लेकिन गाइस इसमें केवल आपको 2 ही बंडल देखने को मिलेंगे, मेल और फीमेल के, जो कि आप लोग यहाँ पे दोनों देख सकते हो। मेरे को आप फिर से कहूंगा कि मेल से ज्यादा फीमेल का बंडल बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। इसका डिजाइन भी काफी अच्छा किया गया है, इसके हेयर भी बहुत ज्यादा ओपी बनाए गए, और गाइस इसमें एनिमेशन भी बहुत ज्यादा ओपी आ रहा है। आप लोग कमेंट में बताना कि आपको कौन सा बंडल ज्यादा अच्छा लगा इन चारों में से, क्योंकि भाई आप लोग को मैं यहाँ पे फीमेल का बंडल भी दिखा देता हूँ, जो कि आप लोग खुद देखो, डिजाइन विजाइन काफी अच्छा किया गया है, हेयर भी इसके काफी अच्छे बनाए गए, ब्लू और यहाँ पे व्हाइट करके रखे गए हैं। सो गाइस मेरे को फीमेल का बंडल बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। फीमेल ही अच्छी है तो भाई बंडल क्यों ना अच्छी हो। सो गाइस यही होगा हमारा नेक्स्ट इन्वेटर। चलो हम लोग इसमें स्पिन करके देखते हैं कि भाई कितने हमारे वाउचर्स लगेंगे। सो गाइस देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे 20 वाउचर्स हैं, देखते हैं मेरे पास कितने मतलब मेरे इसमें वाउचर लगेंगे। देख सकते हो यहाँ पे केवल 2 ही बंडल रखे गए हैं, तो भाई मतलब क्या इसमें से मैं निकाल सकता हूँ। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे 2 बंडल रखे गए, बंडल ठीक ठाक बनाए गए, उतने में इसको कुछ खराब नहीं कहूंगा। सो गाइस चलो स्पिन करते हैं, मैंने यहाँ पे 10 का स्पिन कर दिया। देख सकते हैं यहाँ पे पहला मेरा ब्लू प्रिंट निकल गया है। सो गाइस 10 के स्पिन में 1 ब्लू प्रिंट और यहाँ पे 1 एवोल्यूशन स्टोन मेरा निकल गया है। सो गाइस फिर से मैंने यहाँ पे स्पिन कर दिया, देख सकते हो एक और ब्लू प्रिंट निकल गया है। तो भाई देख सकते हो 2 ब्लू प्रिंट इसमें निकल गए हैं। सो गाइस यहाँ पे काफी ज्यादा ओपी लग चल रहा है। अगर मैं मतलब अपने डायमंड से स्पिन करूंगा तो मेरे को एक और ब्लू प्रिंट मिल जाएगा, लेकिन गाइस मेरे को पहला बंडल नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं सेकंड वाला बंडल निकाल लेता हूँ, जो कि ये मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लगा है। सो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको क्लेम करने वाला हूँ। देख सकते हो मैंने यहाँ पे क्लिक भी कर दिया और गाइस यहाँ पे क्लेम कर लिया मैंने इस बंडल को। सो गाइस बंडल बहुत ज्यादा ओपी बनाया गया है। तो भाई यहाँ पे मेरा मतलब 20 वाउचर में पूरा बंडल निकल गया, जो कि मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बंडल हमारा कैसा बनाया गया, मेरे को यहाँ पे ठीक ठाक लगा है, क्योंकि भाई इस हिसाब से इन्वर्टर के बंडल आते हैं उस हिसाब से ठीक ठाक बनाया गया। फीमेल का बंडल मैं चाहता तो निकाल लेता, लेकिन गाइस मेल के बंडल की बात ही कुछ अलग होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेल का बंडल निकाल लिया है। सो गाइस आप लोग कितनी रेटिंग देना चाहोगे इस बंडल को कौन बता देना, क्योंकि भाई मैं तो 10 में से 7 रेटिंग देना चाहूंगा, उतना मेरे को कुछ खास नहीं लगा है बंडल ये वाला। सो गाइस यहाँ पे आपको नेक्स्ट इन्वर्टर दिखा दिया और गाइस मैंने यहाँ पे बंडल भी इसमें निकाल के दिखा दिया। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, यही थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।